आउट करो फटाफट। देखो आंसर बोल रहे हैं, वो आंसर टाइप किए हुए हैं, हो सकता है दो तीन आंसर टाइप करने में गलत हो गए हो, तो अभी डिस्कस करेंगे तब आंसर बनवाएंगे। अभी जो टाइप आंसर है वो आंसर नोट करो, ठीक है। बीच में ये ना बोलना ये होगा तो वो होगा, वो होगा धनतेरस होगा, धनतेरस होगा तो दिवाली होगी, दिवाली होगी तो दशहरा होगा, ये कुछ ना बोलना। अभी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो एक एक आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्लियर। चलो फटाफट नोट करो बेटा, देख के। हाँ क्वेश्चन नंबर वन का तीन, वन का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा, चौथे का दूसरा। इधर बैठ जा बिटिया, इधर बैठ जा, इधर इधर बैठ जा। चौथे का दूसरा, पांचवें का दूसरा, छठे का पहला, सातवें का पहला, पहला आठवें का पहला, नवें का दूसरा, दसवें का पांचवा। कितने बच्चे इनके पास पेपर नहीं है, हाथ ऊपर करो, जगिसन चले जाओ, बोलो पेपर भेज दो, सर बोल रहे हैं क्लास में 20 पेपर भेज दोगे तो। ग्यारहवें का चौथा, बारह दूसरा, तेरह पहला, चौदह पहला, पंद्रह पहला, सोलह दूसरा, सेकेंड, सत्रह चौथा, अठारह चौथा, उन्नीस पांचवा, बीस दूसरा, इक्कीस चौथा, बाईस चौथा, तेईस का दूसरा, चौबीस का दूसरा, पच्चीस दूसरा, ग्यारह ठीक 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 नहीं नहीं ठीक है। बोलो बे बैठ जा बे, वो लोग हाथ ऊपर करें जिन्होंने पेपर नहीं दिया और आईयूपीएससी पढ़ी, पेपर मांग लिया तोड़ देंगे, ध्यान रखना 20 से दोनों टांग चीर देंगे, है ना। वो लोग हाथ ऊपर करें, हमें सकल पता है, फर्जी हाथ ऊपर मत करना। जिन्होंने आईपीएससी नहीं पढ़ा है और पेपर नहीं दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये चेहरे हैं। भाई मेरे भैया किसको इसको मत देना, पढ़ाई से इधर से, ए रुक जा, ए चबे तुम इधर दो, हम जिसको बोल रहे उसको दो, एक इसको दो, नीले सर दो, पीछे दो,
दो पीछे दे दो बदाकाश, ला हमें वापस कर दो। खत्म 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 खत्म, पेपर खत्म, घंटा नहीं। वो क्या रुक जाओ भाई, पहले आंसर नोट करो। हैं अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है, भाग जा मेरे लाल, अभी सबको मिलेगा, एक साथ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आंसर बोल दिए, 24 तक, 25 हो गया, 26। दूसरा 27, दूसरा 28, दूसरा 29, पहला 30, पांचवा 31, तीसरा 32, दूसरा 33, चौथा 34, दूसरा 35, दूसरा 36, दूसरा 36। क्या बोला है, मुंह बंद करके जो टाइप आंसर है चुपचाप नोट करो, अभी डिस्कस करेंगे तो हो सकता है टाइप करने में गड़बड़ी होगी, आंसर ठीक करेंगे, परेशान मत मेरे लाल। 37 चौथा, 38 पहला, 39 पहला, 40 तीसरा, 41 दूसरा, 42 दूसरा, 43 पहला, 44 पहला, 45 चौथा। जितना बोल लें चुपचाप टिक करो, बोला ना टाइप आंसर है, दो तीन सा आंसर गलत हो सकते हैं, अभी डिस्कस करेंगे तब सही करेंगे। एक बार बोल देते तो मुंह बंद रखा करो, बोल दिया ना कि जो बोल रहे वो आंसर नोट करो, हो सकता है दो तीन आंसर गलत हो, टाइप करने में मिस्टेक हो गई हो, अभी डिस्कस कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लाओ पेपर लाओ, क्यों ले लें, हम तो यही लेंगे। हाँ देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1, भैया क्या बोलना है, हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्ग चेन, चार नीचे चार ऊपर तिरछी चेन, आंसर कितना 8, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन नेम क्या होगा, आइसो सी एच के साथ 2CH3, आंसर पहला बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा ये मसला है, हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना, ध्यान देना, नंबरिंग यहां से 1, 2, 3, 4, 2-methyl-but-1,3-diene, मैच कराओ,
कौन सा? ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप? अरे यार, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, क्या दिक्कत है? देखो देखो, जहां जहां टर्मिनल होगा, जहां जहां किनारा होगा, उस हर किनारे पे एक CH3 होगा। तो मिथाइल चेक करो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5 पूरे कंपाउंड ने पूछे बेटा। ये नहीं बोला है कि मेन चेन में कितने, पूरे कंपाउंड में मिथाइल कितने, 5। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5 कितने हैं? 5, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रक्चर सो, बोलना इसके अंदर क्या क्या है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो भैया इसके अंदर 1 डिग्री भी है, इसके अंदर 2 डिग्री भी है, इसके अंदर 3 डिग्री भी है, तो आंसर कौन सा? पहला। क्वेश्चन नंबर 7, इसका नाम पूछ रहा है, क्या कंपाउंड है, चलो बनाते हैं। बात नहीं, अब देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 तो ये कर लो 4, 5, 4, 5 तो 4 पे इथाइल 5, 1.1 डाई मिथाइल इथाइल, टोटल कार्बन कितने, 8, 8 को क्या बोलोगे, ऑक्टेन। कौन सा आंसर? चौथे ही बताया है ना भैया, बताया कौन सा है, पहला 1, 4, 1.1 डाई मिथाइल 1.1, यही तो सही है यार, सही तो बताया है भाई। हाँ देखो जरा इधर देखो नंबरिंग, ए बात नहीं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये भी 2 कार्बन इथाइल, ये भी 2 कार्बन इथाइल, लेकिन यहां पे इस 2 कार्बन के अंदर 2 कार्बन और है मिथाइल, तो प्रियोरिटी किसको दोगे, इसको दोगे ना यार। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो 4 डायरेक्ट जुड़े कार्बन को नंबर कितना, 1, उसके बाद 2, 1 पे क्या लगा है, 2 मिथाइल। कहानी कितने पे, 4 पे, 4 लिखा, ब्रैकेट लगाया, 1.1 डाई मिथाइल इथाइल, 5 इथाइल ऑक्टेन, काम खत्म। आंसर कौन सा, पहला। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये क्या है मेरे लाल, इथाइल, ये भी तो इथाइल है, ये क्या है मेरे लाल, इथाइल, दोनों इथाइल है ना, तो इस इथाइल के अंदर ब्रांच है, तो ये बेहतर नहीं हो गया, थोड़ा खर्चा करना मेरे लाल। आगे देख क्वेश्चन नंबर 8, CH2 डबल बॉन्ड C, CH2, CH3, CH3। हाँ भैया ध्यान देना, पहला दूसरा तीसरा चौथा नाम बताओ,
टू मिथाइल वन ब्यूटी, मैच करा लो कौन सा? पहला, एकदम सही। हाँ, तीसरा टू इथाइल प्रोपीन, घंटा होगा तीसरा ना, टू मिथाइल ब्यूटीन, गलत है। वाह, ब्यूटीन इन कितने पर ना पड़ेगा ना, है चुप कर, नहीं, इट इज ओनली फॉर द दोस फंक्शनल ग्रुप दैट इज कंटेन द कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये बात एप्लीकेबल थोड़ो ना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये बात थोड़ो ना एप्लीकेबल है। जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किनारे पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन वो फंक्शनल जो सबका बाप है, जो प्रायोरिटी में ऊपर है, वो जहां से खड़ा होगा नंबर एक उसी को दिया जाएगा, ऐसा डबल बॉन्ड के साथ नहीं है मेरे लाल। हाँ, फिर से बोल, इधर 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 सर, आवाज नहीं आ रही, पूरी बात बता आगे। हाँ मेरे लाल, आपने क्वेश्चन डीपीपी में दिया था जब प्रोब टू ऑन आया था, तो आपने कहा था चाहे टू लिखो या ना लिखो, मेन सेम में तो उसको ना लिखें, तो इसमें भी तो वही है कि वन, मतलब वन हो या ना हो, उसका रीज़न है यार मेरे लाल, दोनों अलग अलग बातें, बैठ जाओ। हम मेरा तुमसे कुछ क्वेश्चन है, बताओ सारे भाई, ये बताओ तीन कार्बन के कीटोन में कीटोन को दो के अलावा किसी नंबर पे सेट करके बताओ। अब मेरी बात समझे नहीं, तीन कार्बन की एल्कीन होती तो वन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तीन नंबर की होती तो डबल बॉन्ड कहीं भी लगाते सला एक नंबर पे आता, लेकिन चार चार कार्बन की है तो डबल बॉन्ड एक पे भी हो सकता है, दो पे भी हो सकता है, बताना पड़ेगा। वैसे ही कीटोन अगर चार कार्बन का होता तो लिखना पड़ता कितने नंबर पे है, वरना गलत होता। पांच कार्बन का होता बताना पड़ता, हमने क्या बोला था प्रोपेन होम में टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिक्स है तो दो ही नंबर पे होगा। हाँ भैया, आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा तीसरा, सिर्फ और सिर्फ पहला। क्वेश्चन नंबर 9, देखो टेस्ट देने का यही तो फायदा है कि आप यहां गलतियां कर लो, जब यहां गलतियां कर लोगे ना तो एग्जाम हॉल में गलतियां नहीं करोगे। और यहां गलतियां देखो, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, बेहतरीन है टेस्ट देने की, भाई मेरे तुम्हें सब कुछ आता है, 100% तैयार है, भयंकर तैयार है, टेस्ट दो तब तुम्हें पता चलेगा, और टेस्ट दो माहौल के साथ दो तब समझ में आएगा कि प्रेशर कितना है, क्योंकि क्लासरूम का ऑफलाइन का एक अलग प्रेशर होता है टेस्ट देने का, क्या गलतियां कर रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, जो जो तुमने इस पेपर में गलतियां करी हैं लाइफ में कभी वो गलतियां दोबारा नहीं करोगे, कंफर्म बात है। तो टेस्ट देना इसीलिए कंपलसरी है कि यहां गलतियां करो, यहां गलतियां नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में गलतियां करोगे, तो यहां गलतियां करो, इसलिए टेस्ट देना बहुत 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 जरूरी। और भाई टेस्ट इतने लेंगे ना, अभी इतने टेस्ट लेंगे कि दे देंगे अघा जाओगे, ठीक, यहां तक अघा जाओगे, अघाने को समझते हो ना, मतलब जी भर जाएगा टेस्ट दे देंगे, इतना अघा जाओगे। और भाई जब जो लोग सारे टेस्ट दे लेंगे, नंबर कमाए फर्क नहीं पड़ता, नंबर कमाए क्वेश्चन करो फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट दे लेंगे, टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, उनको समझ में आएगा कि उनका क्या फायदा हुआ। एक काम और करना, एक कॉपी बनाना, कॉपी की हेडिंग रखना गलतियों की कॉपी, मतलब लाइफ की गलतियां नहीं जो उसमें उसका नाम लिख दो, ये मेरी पहली गलती थी, वो नहीं लिखना है यार, यहां पे लिखना है केमिस्ट्री के T1 में इन इन क्वेश्चनों में गलती करी है, ये कॉन्सेप्ट था, अब ये गलती कभी हमसे नहीं होगी, कसम है उसकी जो मेरी लाइफ में पहली बार आया था, तो जाएगा भी तुम्हें दिक्कत नहीं, कसम उसकी खाओ ना। हाँ, इधर से तो जरा
क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भैया ध्यान देना, ये बॉन्ड डबल भाई याद में था, ये बॉन्ड डबल और यहाँ पे क्या CH3। भैया मेरे ये बताओ CH3 और डबल बॉन्ड में बाप कौन? डबल बॉन्ड। तो नंबर 1 तो डबल बॉन्ड को देंगे हम, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बताना 1 2 3 सही है गलत है ना, 1 2 3 4 पक्का, एक नंबर 1 2 3 4 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो भैया 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन आंसर कौन सा? दूसरा। अब तुम यहां पे कहो कि सर 1 लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि ये बाप है दोनों में, फिर से नंबर 1 पे होगा। ठीक है चल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इधर ध्यान देना, ये कंपाउंड है अपने पास, अब हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है जहां से पहले बताओ BR और CH3 और ट्रिपल बॉन्ड में बाप कौन? फिर से बोलो। ठीक है 1 2 3 4 5 6 5 ब्रोमो सही है क्या? और 5 मिथाइल 2 हेक्साइन मैच कराओ, 5 ब्रोमो 5 मिथाइल 2 हेक्साइन आंसर पांचवा। एक बार ये ए आंसर लिखते चल, तो तुम्हें आंसर चाहिए तुमसे एक कॉपी में, पहले का ये दूसरे का ये वो तुमसे भी लेने हो। आगे देखो और भाई जिन बच्चों ने आज गोला मारा है उनको लगता है कि अरे टेस्ट है डिस्कस करो ना करो, भाई मेरे टेस्ट देना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है टेस्ट का डिस्कशन करना। ध्यान रखना जरूरी नहीं भयंकर जरूरी है, हम पागल नहीं है कि 45 के 45 एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, साला कोई नहीं करता है, पेपर हो गया काम खत्म, अपना काम निपटा दिया हो गया, लेकिन ये अपने को आता नहीं है, जो काम करेंगे कायदे से करेंगे वरना घंटा नहीं करेंगे। अभी 15 क्वेश्चन का इस संडे को आपका 15 से 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, टॉपिक फिर से आइसोमेरिज्म। अब की बार 15 से 20 क्वेश्चन मतलब ये IUPAC फिर से 15 से 20 क्वेश्चन सबके सब रीजन एसेशन वाले क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन सबके सब, मतलब एक बार उसी चैप्टर के 45 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव अगले संडे को, 15 से 20 क्वेश्चन का रीजन एसेशन। उसका रीजन क्या है ना बेटा, क्योंकि नीट में 4 से 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट रीजन वाले आते हैं हर साल, तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए, तो कहानी पूरी वही होती है, लेकिन तुम्हें लगता है कैसे सॉल्व करेंगे, तो 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे, आता तुम्हें सब कुछ है बस क्वेश्चन करने का तरीका पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड 3H खत्म हो गया। 1 2 क्या कॉमन नेम बताना है IUPAC? कॉमन नेम यार हटा दो। क्या ये एसिटिलीन है? हाँ बताया था। क्या ये टर्शरी ब्यूटाइल है? हाँ बताया था। नाम क्या? टर्शरी ब्यूटाइल एसिटिलीन। आंसर कौन सा बेटा? कौन सा? चौथा, टर्शरी ब्यूटाइल एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा? पहला कैसे हो सकता है बिटिया रानी? पहला तो ये है, इट इज द नियो ग्रुप, ये होता है नियो, एक कार्बन से 3 CH3 और 1 CH2, दैट इज द नियो ग्रुप, तो वो तो हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। क्वेश्चन नंबर
बारह देखो भैया, ये डबल मोहन, ये बी आर, ये सी एस थ्री, एक कार्बन ये एक दो तीन पे आएगा, यहाँ से एक दो पे आएगा। अब हमें तुम एक बात का आंसर दो, प्रियोरिटी डबल बॉन्ड को दे या बी आर को दे, डेली प्रियोरिटी, एक दो तीन चार पाँच, फोर पे ब्रोमो, थ्री पे मिथाइल और पेन टू ई, मैच कराओ, फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल पेन टू ई, सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, तेरा सी एस थ्री, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। अब जरा ध्यान देना, इधर से डबल बॉन्ड दो नंबर पे, उधर से ट्रिपल बॉन्ड तीन नंबर पे, हमें सिर्फ एक बात बताओ, प्रियोरिटी डबल को या ट्रिपल को? हाँ, पक्का प्रियोरिटी दी जाएगी डबल को। चलो भैया देते हैं डबल को, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक बार इधर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो इधर वाली थी, तो ये आपका हो गया एक डबल बॉन्ड दो पे, एक डबल बॉन्ड चार पे, एक डबल बॉन्ड दो पे, एक डबल बॉन्ड चार पे लगा है, छः पे लगा है आइन, और उधर से नाम क्या हुआ, दो पे लगा है आइन, एक डबल बॉन्ड चार पे, एक डबल बॉन्ड छः पे, एक डबल बॉन्ड चार पे, एक डबल बॉन्ड छः पे। अब भैया ये सुनना जरा, इधर से डबल बॉन्ड नंबरिंग कर रहे हैं तो चार पे आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड पे नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड इधर से डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, चार पे, इधर से भी ये वाला चार पे, इधर से ये वाला दो पे, तो प्रियोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को दे दी प्रियोरिटी, ये सही और ये गलत। अब मैच कराओ आंसर कौन सा, कौन सा दूसरा ना, पक्का ना, हाँ दूसरे लगवाए तो बताते जाओ आंसर दूसरा, ठीक करना, टाइप करने में गलत हुआ, फिर लो क्या पेंसिल है क्या, ये लो कोई बात नहीं, ये पकड़ो बेटा, ये पकड़ो पेपर पकड़ो, जिसके में आंसर ठीक है जो हमने बोले वो कॉपी दो, जिससे हम आंसर ठीक करते चले, जो आंसर हमने बोले वो ठीक है, नहीं नहीं इसमें ठीक है ना, तो हम ठीक करते चलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14, जो आंसर हमने बोले वो लगे ना, ठीक भैया देखो, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब ध्यान देना, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ, नाम देखो, थ्री मिथाइल वन पे इन फाइव पे आइन, कौन सा आंसर मैच कर रहा, पहला, फर्स्ट इज द राइट आंसर, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 15, किसमें चार कार्बन है, अरे यार पहला वाला देखो यार, ये लगाओ विच, ये लगाओ विच, अब देखो कार्बन, एक कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, कार्बन कितने, चार, तो पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन ये पूछा था
किस कंपाउंड में चार कार्बन आएंगे? मेन चेन में। पेरेंट चेन का मतलब होता है मेन चेन। 16 नंबर देखो, CH3 CH2 C double bond CH2 COH। आप लोग बताओ, इधर देखो, इधर 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 इधर, चार की या तीन की? वेरी गुड, क्योंकि तीन में कौन है? फंक्शनल बाप कौन? COH। एक दो तीन, दो पे क्या बैठा? इथाइल। तीन दो पे क्या है? ईन। और कार्बन कितने? प्रोप। COH क्या? ओइक एसिड। मैच करो आंसर, कौन सा बे? तीसरा, दूसरा, टू एथिल प्रोप टू इनोइक एसिड। एग्जैक्टली राइट, सेकंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, CH3 CL OH CH2 CH double bond CH। अब बताओ बाप कौन, डबल बॉन्ड सीएल या OH? OH। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बताओ दो पे क्या लगा है? OH। दो पे क्लोरो, चार पे इन, छह कार्बन हेड्स। आंसर कौन सा? आंसर हो गया चौथा। एग्जैक्टली राइट, काम खत्म, नंबरिंग कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 18, बीआर लगा, इथाइल लगा, सीएल लगा, ओएच लगा, बोलो एल्किल बीआर सीएल ओएच, बाप कौन? ओएच। नंबरिंग यहां से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैच करा लो आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर, टू ब्रोमो फोर क्लोरो थ्री एथाइल साइक्लो ब्यूटेनॉल, आंसर चौथा। 19 नंबर देखो, एनहाइड्राइड, अरे पांचवा है यार, पहचान करो। 20 नंबर, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, नहीं बता रहे। 21 नंबर, 21 नंबर आपका हो गया इथॉक्सी इथेनोइक एसिड। भैया देखो, अगर तुम्हें याद हो, यहां पे लगा हुआ है इथॉक्सी, क्यों? क्योंकि यहां पे आपसे बोल रहा है एक है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है आपके पास ईस्टर, तो यहाँ पे सॉरी ईस्टर नहीं है, है? हाँ ईस्टर है, ठीक है ठीक है, ईस्टर है। तो ये लगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। बेटा इधर बताओ यार, ये बताओ यहाँ पे क्या लगा यार, है? क्या खाली बॉन्ड था क्या? कुछ टाइट नहीं था? आवाज नहीं, ये पहला, आवाज नहीं बे, ये पहला, ये दूसरा, दो कार्बन की मेन चेन, दो कार्बन की मेन चेन को बोलोगे क्या? इथेनोइक। तो आंसर इथेनोइक होगा, या तो दूसरा या तो चौथा, ये कंफर्म है। अब सुनना, ये ईस्टर है, ये कंफर्म है। अगर ईस्टर है तो एसिटॉक्सी कोई प्रफिक्स नहीं होता है ईस्टर का, तो आंसर कौन सा? चौथा, कंफर्म। भले गलत है लेकिन आंसर चौथा ही माना जाएगा। चलो आगे देखो जरा, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, आवाज नहीं बे, सॉरी 22 नंबर,
अरे यार 22 में क्या दिक्कत है? देखो ये ओ ये डबल बॉन्ड ओ भाई देखो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन इधर ध्यान देना ये कार्बन और इधर ये कार्बन बताओ ये ईस्टर है या नहीं है? ईस्टर करने का तरीका पहले नेमिंग एल्के की उसके बाद एल्के नोए तो बताओ कितने कार्बन का एल्किल है? तीन। क्या बोलोगे? प्रोपाइल। क्या बोलोगे? प्रोपाइल। कितने कार्बन का ईस्टर है? एक दो तीन। क्या बोलोगे? प्रोपेनोए। नाम क्या हुआ? प्रोपाइल प्रोपेनोए। आंसर कौन सा? हाँ एन प्रोपाइल प्रोपेनोए। ठीक बात है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही। 23 नंबर क्वेश्चन देखो। सी डबल बॉन्डो ओ एच सी एच टू सी एच सी डबल बॉन्डो एच सी एच ओ क्या दिक्कत है? पहले हमें एक बात का आंसर दो सिर्फ। अगर एल्डिहाइड का कार्बन अंदर लिया तो ऑक्सो, बाहर लिया तो फॉर्मेल। तो दोनों नाम देखते हैं, एक बार अंदर ले लिया और एक बार बाहर। तो भैया अंदर ले लिया, एक दो तीन चार, इसको बाहर। तो तीन पे क्या लगा? फॉर्मेल। फोर पे क्या लगा? ऑक्सो। कार्बन कितने? चार। क्या बोला? ब्यूटेनोइक एसिड। मैच कराओ कोई है? कौन सा? सेकेंड। थ्री फॉर्मिल फोर ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, एकदम सही है। आंसर कौन सा? दूसरा। अब सुन लो, अरे सुन लो बे, सुन लो। अब अगला सुनो, एक आंसर इसका और हो सकता है। यहाँ पे तीन कार्बन लिए, ये तीन कार्बन लिए, इसको भी छोड़ा, इसको भी छोड़ा, और इन दोनों को छोड़ के अगर लिया तो बोला 3.3 डाइफॉर्मिल प्रोपेनोइक एसिड। दोनों नाम सही हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएं, जब एल्डिहाइड का कार्बन अंदर लिया गया है, आंसर वही टिक किया जाएगा। तो आंसर टिक कौन का किया जाएगा? दूसरा। सही नाम पहला भी है, आंसर माना जाएगा कौन सा? दूसरा। चलो भैया 24 नंबर पढ़ते हैं, मजा आया ना? 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बिटिया, घंटा काम है, 20 से चीज देंगे। इधर देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सी डबल बॉन्डो, ये CH, ये आवाज बंद, आवाज नहीं बे। हाँ भैया ध्यान देना, इसका नाम लिखना है। पहले तो हमें ये बताओ कि यहाँ पे CN में, कीटोन में, CHO में बाप कौन? CN। जो बाप वहां से नंबरिंग स्टार्ट, एक दो तीन चार पांच। दो पे लगा फॉर्मेल, तीन पे लगा कीटो या ऑक्सो, पांच कार्बन पेंटेन, CN का सफिक्स नाइट्राइल। मैच कराओ आंसर, 2 फॉर्मिल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, सेकंड इज द एग्जैक्टली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, देखो भैया, यार 25 का डी आ रहा है क्या? ठीक है, डी इज द राइट आंसर, बताने की जरूरत नहीं है। 26 नंबर देखो, रॉन्गली मैच, एक दो
एक दो, दो पे मिथाइल हो गया, एक दो तीन चार पेंटेन होगा ना यार, यार सेकेंड आंसर हो गया यार। पेरेंट चेन में मेन चेन में कार्बन कितने आने चाहिए, पांच, और लिंक कितने रहा, छह, तो ये गलत हो गया। बॉन्ड तीन है, नहीं सेकंड वाले के आखिरी में सेकंड की जो मेन चेन आएगी ना वो एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन की आएगी तो पेंट होना चाहिए ना, लिखा क्या है, है काम खत्म। तो यही रॉन्गली मैच है, सेकंड इज राइट आंसर। 27 नंबर बेटा, 27 नंबर में पहचान करो, एक सीएल है, एक ओएच है, एक है कीटोन, एक है सीओओएच, जरा बताते जाओ फटाफट आप लोग। पहले मैं ये बताओ ओएच का सफिक्स लिखे या प्रफिक्स, हाँ ओएच का प्रफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तो सफिक्स सीओएच का क्या होता है, ओइक एसिड, मैच कराओ, ओइक एसिड हो गया, सीएल के लिए क्लोरो हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया, मिथाइल है, ऑक्सो है, फोर पे है, तीन है, 100% सही आंसर कौन सा, दूसरा, सेकंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर बेटा, एक तो ईस्टर है और दूसरा इसके अंदर एक ईथर लगा है, चलो नेमिंग कर लेते हैं, देखना जरा। 28 नंबर ध्यान देना, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, उसके बाद चार पे मिथॉक्सी, ध्यान देना, इधर ईस्टर्न तो इथाइल, ध्यान दो बे, इथाइल फोर, मिथॉक्सी कितने कार्बन है, चार, ब्यूटे नोए, क्या बोला, ब्यूटे नोए, मैच कराओ, इथाइल फोर मिथॉक्सी और ब्यूटे नोए, आंसर दूसरा, सेकंड इज द राइट आंसर। हाँ बेटा फोर देख रहे बेटा, बच्चा हमेशा हमेशा और हमेशा ईस्टर का नाम लिखने का तरीका याद करो, पहले नाम एल्किल का, पहले नाम एल्किल का, उसके बाद नाम आएगा ईस्टर का, इस वजह से चौथा गलत है, बात समझ में आ गई ना, पहले नाम ईस्टर का नहीं, पहले नाम एल्किल का नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, यार 30 नंबर का पांचवा आ रहा है क्या, पांचवा बोला ना, बताने की जरूरत नहीं है, थ्री फिनाइल पेंटेन सही आंसर है। 31 नंबर देखो, अबे 29 बताने लायक भी है क्या, अबे एक दो तीन, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड पहला होगा, ठीक है 29 का पहला, 30 का पांचवा और 31 का देख लेते हैं, ठीक है बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, ये आभार आपका हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मेन चेन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये मेन चेन आएगी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, पांच पे इथाइल, छह पे इथाइल, चार पे इन, तीन पे मिथाइल, टोटल कार्बन 10, क्या बोलोगे, देख मैच कराओ कौन सा, तीसरा सही आंसर हो गया। 32 नंबर नियो पेंटेन, तो पहले नियो बनाओ, कार्बन के साथ तीन CH3 और एक CH2, अब पेंटेन है
तो एक एच और लगा दो तो ये मेंटेन हो गया। एक दो तीन, 2.2 डाई मिथाइल प्रोपे, कौन सा हुआ? दूसरा, सेकंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, एन पे एक लगा है C2H5, एक CH3, एक CH3। बेटा बताया था अमाइन का नाम उस कार्बन के साथ सेट होता है जो लॉन्गेस्ट कार्बन होता है। यहां पे कितना? एक। यहां कितना? एक। यहां कितना? दो। इसका नाम दो कार्बन के साथ सेट हुआ। बोलो क्या बोलोगे? इथेनामी, N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल इथेनामी। चेक करो कौन सा आंसर, कौन सा बे? चौथा सही हो गया, काम खत्म, 34 नंबर आऊंगा। डबल है, OH है, OH है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। तो पेंट 2 पे इन है, 2.3 डाई ऑल है, सेकंड इज द राइट आंसर, खत्म। 35 पे आ जाओ, 35 पे CH, साथ में देख के चलना, साथ ही में देख के चलना, और नंबरिंग सीट में ही कंपाउंड में कर लेना। इधर से लो, एक दो तीन चार, कीटोन चार पे, एक दो तीन चार, कीटोन चार पे, कहीं से भी ले लो, एक दो तीन चार पांच छ सात, कीटोन चार पे और एक मिथाइल दो पे, एक छह पे, मैच करा लो। 2.6 डाई मिथाइल पेंटेन 4-ओन, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भैया 36 में नीचे वाले या ऊपर वाले कार्बन से नंबरिंग करोगे, तीन कार्बन की पेरेंट चेन आएगी, 2 पे हाइड्रोक्सी होगा, 1.2.3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कोई नाम है कि नहीं है? आंसर चौथा, आंसर चौथा। सैतीस नंबर, अरे यार 37 नंबर एनहाइड्राइड है, उस तरफ तीन कार्बन, इस तरफ तीन कार्बन, नाम क्या? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, आंसर चौथा, नहीं बता रहे। 38 नंबर देखो, देखो जरा बेटा, क्लास में बताया था अगर बेंजीन में दो CH3 लगे हो तो जाइलीन कहा जाता है, तो मेटा पे दो CH3 लगा दो, लगा दिए। अब सुनो आगे की कहानी, मेटा पे दो CH3 लगा दिए, अब बोलना है 4-isopropyl, तो भैया 1, 2, 3, 4 4-isopropyl लगा दो। ये कंपाउंड है, बोलना है इसका IUPAC नेम लिखना है, तो भैया इसका IUPAC नेम लिखना है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल और 2.4 डाई मिथाइल, 1 पे आइसोप्रोपाइल। अगर मजबूरी में मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो 1 पे आइसोप्रोपाइल, 2.4 डाई मिथाइल और अपने पास रिंग कौन सी है? बेंजीन, तो मैच कराओ, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा? 1-isopropyl, 2.4 डाई मिथाइल बेंजीन इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39, नंबरिंग लेफ्ट से, भैया मैं साथ साथ नोट करना, रुकेंगे नहीं। एक दो तीन चार पांच, चार पे मेथिल, 2 पे आइन, कार्बन 5, खत्म हो गया। तो 4 मिथाइल पेन 2 आइन, आंसर पहला, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 40,
सी एच नहीं बता रहे 40। ट्रिपल और डबल में प्रायोरिटी किसको दोगे? डबल को, खत्म हो गया। थर्ड इज द राइट आंसर 41। अब प्रायोरिटी किसको दोगे? ट्रिपल को। आंसर कौन सा? दूसरा। नहीं बता रहे, आगे आ जाओ। बयालीस। कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अरेंज इन द लीनियर। कॉपी में लिखवाया था, या तो एसपी से डायरेक्ट जुड़ा। ऑप्शन कौन सा? दूसरा। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। सी डबल बॉन्ड सी आई सी एल सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री। भैया डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, डायरेक्ट जुड़ा आई, बोला मारो आई पे, आई का एटॉमिक वेट ज्यादा। डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, डायरेक्ट जुड़ा सी एल, बोला मारो सी एल पे, सी एल का एटॉमिक वेट ज्यादा। तो ये ई है या जेड है? ई है। ई का मतलब सिस या ट्रांस? ट्रांस। तो भैया ये ट्रांस है, अब नेमिंग कर लो इसकी। तो 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो, 3 पे आइडो और 2 पे डबल बॉन्ड। तो ट्रांस 2 पे क्लोरो, 3 पे आइडो, 2 पेंटीन। आंसर कौन सा? पहला, 43 का पहला। 44। यार बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहे। देखो ये 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 तीन पहाड़, 1 2 3 4 पे लगा ये, और यहाँ पे लगा ये, ये एक, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः। तो 4 3 पे लगा है प्रोपाइल, 4 पे लगा है इथाइल, कार्बन 6 है, 1 पे ईन है। मैच करो, 4 इथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स 1 ईन। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। यार कॉपी में कराया हुआ क्वेश्चन, आंसर कौन सा? दूसरा। ठीक बात, देखो 45 में से 10 क्वेश्चन आखिरी के 35 के बाद वाले नीट में आए हुए थे, नीट के PYQ थे, जो कि सारे सही हुए होंगे, उसमें से कोई गलत नहीं हुआ होगा। जो आप शुरुआत के 35 क्वेश्चन हैं, उन 35 में से 28 क्वेश्चन IIT के थे, 35 में से 28 क्वेश्चन IIT की बुक के थे, IIT एडवांस की बुक के थे, 7 क्वेश्चन खुद बनाए हुए थे, किसी भी किताब के नहीं थे। ठीक है, तो जो गलतियां आपसे हुई होंगी वो 1 से 35 के बीच में हुई होंगी, और 35 से 45 के बीच के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे होंगे। लेकिन देखो ऐसे उंगली उंगली ना उठाओ, घंटा आप कुछ नहीं बताएंगे, पेपर डिस्कस हो गया, काम खत्म हो गया। अब ऐसे ऐसे मत करिए, इसमें वो ऐसे मत करो, घंटा नहीं बताएंगे। ठीक है, क्लास के बाद मिल लेना। भैया अब हाथ ऊपर करो, इन आंसर के हिसाब से किस बच्चे के 45 में 45 सही?